और प्रिंस मिश्रा जी, अगला सवाल मेरा चूंकि आपसे है, आप होम्योपैथी डॉक्टर हैं और जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, खासतौर पे पैरालिसिस और कैंसर जैसी बीमारियां, ये ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें ला इलाज माना जाता है। हालांकि अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, दावा किया जाता है कि कहीं ना कहीं इस बीमारी से निजात मिल सकती है, लेकिन होम्योपैथी के थ्रू आप दावा करते हैं कि इन बीमारियों को आप ठीक कर देते हैं, कैसे? जी हाँ, तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पर हर कोई न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो आप जब न्यूज़पेपर उठाएंगे तो वहाँ पर देश विदेश का एक आता है ऑप्शन, वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगी खबर कि वाशिंगटन ने चूहे पे इलाज किया, सर्च जारी है, अमेरिका सर्च कर रहा है, सर्च जारी है, कीमो से इलाज हो रहा है लेकिन मरीज ठीक नहीं हुआ, हो सकता है, सर्च जारी है, रिजल्ट कहीं नहीं, टेक्नोलॉजी पहुँचा है सिर्फ पैसे के लिए, उस टेक्नोलॉजी से आपका सिर्फ धंधा चल रहा है, पैसा चल रहा है। बड़ा बड़ा आपने आलीशान हॉस्पिटल खोल लिया, कौड़ों की मशीन रखी, लेकिन वहाँ कौन पहुँच पाएगा? जनमानस नहीं पहुँच पाएगा आम वाला, वहाँ हम होम्योपैथी के माध्यम से पहुँच रहे हैं। और जो है बिना ज़्यादा लाखों करोड़ों रुपया पैसा फेंक के, कम पैसे में, कम समय में, बिना किसी साइड इफेक्ट के होम्योपैथी, इस समय जो हर कोई जानता है कि होम्योपैथी दूसरी पद्धति है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हानि रही, उसके माध्यम से हम लकवा कैंसर को ठीक कर रहे हैं। जो लोग जो है कैंसर में, आपने देखा होगा कि कीमो करवा रहे हैं, कीमो करवाने के बाद इफेक्ट क्या पड़ता है आपने देखा? नहीं देखा, आई वीक हो गया, सर पे जो है बाल झड़ गया, दिमाग कम काम कर रहा है, एज अगर जो है 20 साल का है तो 20 साल का एज लगेगा कि 50-60 साल का है, ये होता है इफेक्ट आपका कीमोथेरेपी। तो वहीं हम जो है कीमोथेरेपी ना करके, ना किसी सर्जरी को एडवाइस करके होम्योपैथी से उसका जो है जड़ से इलाज कर रहे हैं। यहाँ से मैं आपको सिंपल से एक बात बताना चाहूँगा, जैसे आप मान लीजिए कोई पेड़ है, पेड़ का जो टहनी होता है आप उसको काट दिया, उससे आपको 2 मीटर आराम मिल गया, रास्ते में कहीं पेड़ आ रहा है, गाड़ी जा रही है, आपने टहनी काट दिया, चलो ठीक है, एक साल बाद वही टहनी जो है 4 टहनी रूप बदल के आएगी, तो आप 3 काटेंगे। वही हमारा होम्योपैथी क्या कर रहा है, टहनी नहीं काट रहा है, सीधे जड़ पे वार कर रहा है और पेड़ ही खत्म कर ले रहा है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन प्रिंस जी, अक्सर होम्योपैथी के बारे में ये एक धारणा है, या आप क्या कहेंगे कि ये धारणा ही है या सच्चाई है, कि होम्योपैथी इलाज बहुत लंबा चलता है और इतना लंबा इलाज होता है इस वजह से लोग उस ट्रीटमेंट को पूरा नहीं कर पाते। आप जब बात करते हैं कैंसर की, आप जब बात करते हैं पैरालिसिस की, कितना वक्त लगता है इसके इलाज में, और खर्चा देखिए, आम लोग जो गरीब लोग हैं क्या वो इस खर्चे को उठा पाएंगे, कितना खर्चा आता है? जी मैडम, यहाँ पे मैं सीधे एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, जैसा आपने कहा कि खर्चा कितना आता है, टाइम कितना लगता है, क्या यहीं पे अपने प्रयागराज के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी माता जो कि 1 साल से पार्किंसन था, सिर्फ 2.5 महीने में आज वो चम्मच गिलास उठा ले रही है, सिर्फ 2.5 महीने में, और अभी भी इलाज उनका चल रहा है। आप ये समझ लीजिए कि होम्योपैथी कहाँ तक जो है कार कर गए। और रही पैसे की, तो भाई आप जो है लाखों खर्च कर रहे हैं, वहाँ आज के टाइम में आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आप एक दवा लेंगे तो 150-200 की पड़ जाएगी, लेकिन उसकी कीमत नहीं है, यहाँ कीमत है डॉक्टर की। आपने जैसे कहा कि होम्योपैथी धीरे काम करती है, तो यहाँ मैं एक बताना चाहूँगा, राइफल या गन में गलती नहीं होती, निशाने वाले की गलती होती है। उसी राइफल से आप निशाना लगा रहे हो, नहीं लग पा रहा है, दूसरा वाला लगा दे रहा है, निशानची की गलती है, निशाना जो लगाने वाली उसकी गलती है, गणक की गलती नहीं है। यानी डॉक्टर प्रिंस जी होंगे तो सीधे निशाना सही जगह पर लगेगा। जो होम्योपैथी वाले जो सक्सेस हैं, जो कर रहे हैं, जो 40 साल के ऊपर हैं, जो कर रहे हैं, वो अच्छे से निशाना लगा ले दे रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।